Hey guys, welcome back to the new vlog. So, आज हम आए हैं। So guys, आज बहुत ही सारी मस्ती करने वाले हैं, बहुत ही ज्यादा enjoy करने वाले हैं। So चलिए vlog को start करते हैं। Oh mama, mama, अरे मेरे को नहीं जाना। तो गाइस गाड़ी कर दी हमने पार्किंग में पार्क, और यहाँ पे भाई बहुत बड़ी पार्किंग है, बसेज आती है मोस्टली ज्यादा, तो पार्किंग की तो कोई दिक्कत है नहीं, और वैसे भी यार टिकट में पार्किंग फ्री है, इंक्लूडेड है। तो चलिए यार फटाफट अंदर चलते हैं। उस्ताद जी इधर को है एंजॉय, तो आ जाओ गाँव जो है। So guys, हो चुकी है अंदर एंट्री जॉय गांव के, और जैसे ही आप अंदर एंटर करोगे सामने आपको दिख जाएगा यहाँ पर टिकट काउंटर। इसके अलावा गाइस जो यहाँ की टिकट प्राइसिंग है वो है 5 से 10 साल के लिए 650 रुपए, और 10 साल से ऊपर जितने भी हैं उनको ही एडल्ट मानते हैं, और एडल्ट की कॉस्टिंग है यहाँ पर 1200 रुपए। So guys, हम कर चुके हैं एंट्री और टिकट काउंटर से आप ले सकते हैं टिकट, और अब फटाफट मस्ती करने चलते हैं। अंदर घुसते के साथ ही यहाँ पर आ जाएगी फर्स्ट राइड, और ये है गाइस कैटरपिलर राइड, और यहाँ पर देख सकते हो बच्चे कितना ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। सो गाइस सब हमारे सामने है मेल्टडाउन, और यहाँ पर देख सकते हो बच्चे कितना ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। भाई मेरे को तो लग रहा है उस्ताद जी इन्होंने ना मोटर ना खराब कर दे बच्चे। अरे वाह भाई वाह, क्या बात है। तो बच्चों आपको येलो डॉट पे खड़े होना है। ओ देखो बच्चा गिरा यहाँ पर, कोई बात नहीं, हार नहीं माननी है। और सामने आपको दिख रहा है जो ये है किड्स प्ले एरिया, यहाँ पर आपको स्लाइड वगैरह मिल जाएगी, ऐसी स्लाइड स्कूल्स के अंदर भी लगी होती है, तो बच्चे यहाँ पर भी झूल सकते हैं। वहाँ पर एक क्लोज स्लाइड है और एक यहाँ पर ओपन स्लाइड है। सो अब यहाँ पर हो चुकी है स्टार्ट बुल फाइट, भैया मस्त सा चलाना। हेलो क्या हाल चाल, और वो देखो एक बुल के ऊपर दूसरा बुल, ओ सॉरी, ओ बहुत सारे बच्चे हैं गाइस यहाँ पर, और बहुत ही सारे, मजा आ रहा है। कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया लगा, मजा आया। ओ ओ ओ भाई साहब, ओ ओ भाई साहब। तो यहाँ पर स्कूलों से आज रखे हैं सारे के सारे स्कूल के बच्चे, साथ में टीचर्स भी है, तो यार एक काफी इंजॉयबल प्लेस है, मतलब कुछ अलग ही यहाँ का हो रहा है, बच्चों ने यहाँ पर अलग ही माहौल है यहाँ का। तो गाइस ये है आपके सामने बंजी बास्केट रन, और इसके अंदर आपको बॉल्स को बास्केट के अंदर डालना होता है, मतलब भागते भागते भी डाल सकते हो, कैसे भी डालो आपके ऊपर है, बट मस्त गेम है यार। बचपन में ना एक चीज देखी है, जो भी है बिल्कुल ओपन है भाई साहब, कैसे भी खेलो, कोई रूल्स नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो गाइस यहाँ पर आ रहा है बहुत ही ज्यादा मजा, और पीछे अतुल भाई आप क्या बोलना चाहोगे? भाई बोलना मैं कुछ नहीं चाहूंगा, पीछे दिख रहा है मिरर मेज, तो वहाँ पे फटाफट चलते हैं। क्या बात है, क्या बात है, तो चलो चलते हैं यार फिर फटाफट। सोप करने लगे एंट्री, और ये देख सकते हो सामने लिखा हुआ बड़े बड़े शब्दों में एंट्री ऊपर, तो चलो चलते हैं। यार ये हर तरफ से मिरर मिरर है, वाकई में हर तरफ से मिरर है यार। ओ भाई ये तो कहाँ गए गुफाओं में। ओ उस्ताद जी टकरा गया, सॉरी आई एम सॉरी। भाई कहाँ पे ये क्या हो रहा है? ओ भाई कहाँ निकल, वाकई में खो गए यार। ये रहा भाई, ये रहा, सो आ चुके हैं बाहर, और हमने जीत लिया यहाँ पर कश्तिया। So, यहाँ पर है कुछ स्नैक्स काउंटर, जैसे ये है, यहाँ पर मिलेंगे पकोड़े वकोड़े आपकी पसंद के, साथ में जलेबी और रबड़ी, और उधर आपको मिल जाएगी टी, टी जंक्शन है, और लास्ट में आपको जलजीरा और शिकंजी मिल जाएगी। तानसेन मैं कैरेक्टर में आ गया था। सो गाइस अभी हम मस्ती कर रहे हैं यहाँ पर, और अब चल रहे हैं हम जिप लाइन करने। yeah!
सो गाइस वी आर रेडी फॉर द जिप लाइन। ये भाई हम कह रहे हैं सबसे पहले दीपू को पहले चढ़ाते हैं। ये हंसने लग गया, ये तो काम का खबर आ रहा है भाई। नहीं मैं डर थोड़ी रहा यार। हाँ चलो फिर जा, चल जा फिर। ओ क्या बात है, ओ भाई साहब अतुल भाई कैसा लग रहा है? मजा आ गया भाई, हमने दीपू को पहले पता क्यों चढ़ाया? अगर खेत पार जाएगा तो दीपू ही जाएगा, हम तो यहीं हैं। क्या बात है, क्या बात है भैया, हंस रहे हैं यहाँ पर। सो अब यहाँ पर जाने लगे हैं अतुल भाई, और ये और ये और ये, ओ भाई और डर लग रहा है। क्या बात है, वो झंडे में लगता लगता बचा। सो गाइस अब मेरी बारी है, और यहाँ पर भाई ओ मम्मा नहीं मेरे को नहीं जाना। क्या बात है, भाई साहब क्या बात है भाई, भाई साहब भाई ये वाली जिप लाइन थोड़ी डरावनी थी, क्या भाई? भाई ये मजेदार थी, डरावनी एडवेंचर ऐसा ही होता है। बहुत बढ़िया स्टाफ है। नहीं अच्छा भाई, बहुत कोऑपरेटिव है, भाई ने साथ ही बोल दिया पीछे हो जा। सो गाइस इस सेक्शन के अंदर यहाँ पर पूरी की पूरी आपको मिलेंगी एडवेंचर एक्टिविटीज, फिर चाहे यहाँ पर ब्लॉक क्लाइंबिंग हो, या फिर ये जो भी है ये टायर्स के ऊपर क्लाइंब करने वाला हो, या फिर वहाँ पर रिंग क्लाइंबिंग हो, बहुत ही मजेदार है। यहाँ पर सारी की सारी आपको एडवेंचर एक्टिविटीज मिलेंगी इस जोन के अंदर। सो ये गाइस ये चल रहे हैं यहाँ पर बच्चे ब्लॉक्स के ऊपर, और देख सकते हो कितना बढ़िया तरीके से चल रहे हैं, मजा आ गया भाई। और अभी फिर से हमने उन्हीं एक्टर्स को पकड़ लिया दोबारा, और देखो भाई घुसने का तरीका कितना बढ़िया है इनका। अरे वाह 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 वाह, क्या बात है यार, क्या बात है। चलो 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 चलो, और अब ये बच्चे आ चुके हैं यहाँ पर, और दोनों में रेस लगी हुई है कौन पहले चढ़ेगा, और एक पीछे रह गया एक आगे रह गया, और दोनों में रेस लग चुकी है। ओ भाई साहब, ओ यार आराम से, ओ ओ छोटा बड़ा आराम ही है भाई, ये इसका पैर पहले आया भाई बाहर। और अब ये बच्चे जा रहे हैं इसके अंदर, ओ भाई साहब क्या बात है, क्या बात है यार, ओए शाबाश है। ओ ये तो देखो भाई साहब चूहे की तरह भाग रहा है ये बंदा तो, ओए होए 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 क्या बात है यार, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और ये बंदे आ रहे हैं यहाँ से, और अब आपके सामने पेश है जोए गांव का जादूगर। सो गाइस सामने हमारे जादूगर, और ये दिखाने लगे हैं नाच, ओ नाच कह रहा हूँ जादू, सॉरी भैया मैं तो भूल गया था, नाच तो वो दिखाते ना बंदर को नचाने वाले। सो भैया ने यहाँ पर रखे हुए हैं यहाँ पर नकली सांप, भैया असली तो नहीं निकालोगे ना? अच्छा नकली निकालेंगे। अभी भैया कह रहे हैं बैठो, ये हमारे पास है बांसली, इस बांसली में देखो मेरे भाई लोग 11 कला इस बांसली में। क्या बात है, और पहली कलाकारी देखो आपके सामने स्टार्ट कर रहा हूँ, जमीन पे लगड़ा है मैंने बांसली को, और बांसली को देखो हाथ पे भी लगड़ दिया, मट्टी को उठाएंगे प्रभु का नाम लेंगे, एक एक करके आओ बन गया। A few moments later. So, यहाँ पर है जोए गांव के कुम्हार, और ये बनाने लगे हैं एक बहुत ही शानदार बर्तन। ये भाई चाय पीने का कप बना दिया भैया कह रहे हैं ये जो है ऊपर। ओए होए होए अब बन गई है भाई मटकी यहाँ पर, क्या बात है। सो गाइस ये बन चुका है फ्लावर पॉट, और ये बन चुका है आपके सामने आपका घर का जो गुल्लक होती है ना मिट्टी की, पिगी बैंक बनता है वो है गाइस ये। भाई साहब क्या बात है भाई, क्या बात है। सब भैया बनाने लगे हैं यहाँ पर कटोरी। ओए होए बात सिर्फ एकदम वैसी बन रही है बिल्कुल जैसे रियल हो भाई साहब, क्या बात है क्या बात है क्या बात है। सब बन चुकी है सामने प्लेट, बहुत बहुत शुक्रिया अंकल जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। और अब सामने है हमारी सबसे फेवरेट चीज, यहाँ पर है ढोल। की लकड़ी की बनी हुई कठपुतली, और ये पपेट शो आपके सामने तैयार हो गया। तो रे,
क्या बात है प्राण सिंह जी, मजा आ गया यार। और हम लोग राजस्थान से हैं। और ये भैया है रतन सिंह जी, बिहाइंड द स्टेज, ये बिहाइंड द कैमरा। अभी इन्होंने फेंका था यहाँ पर सांप, मेरा तो दिल बाहर आने से रह गया बस। क्या बात है भाई। सो गाइस, अब आपको सामने मिल जाएगी एटीबी राइड, बट जो एटीबी और जिप लाइन है ये पेड राइड होती है, 100 rupees पर पर्सन देने पड़ते हैं। सो अब गाइस जाने लगे हैं एटीबी के अंदर। सो गाइस, क्या बात है, ओ ओ भाई, तो जादी भाई निकल गया वहां तक, काफी लंबा राउंड भाई, पलटा मत देना ओए। मजा आ रहा है भाई जादी भाई को पूरा का पूरा। ओ भाई, ओ तेरी गजब है भाई। सो गाइस, मजा आ गया यार एटीबी राइड के अंदर यार, बहुत ज्यादा मजेदार थी ये राइड, वाकई में यार वंडरफुल एक्सपीरियंस था भाई साहब एटीबी के अंदर, और बहुत ही ज्यादा मजा आया। आप भी एक बार आना, एक बार राइड जरूर लेकर देखना। और यहाँ पर मिले हमारे सब्सक्राइबर, क्या बात है, आज सारे सब्सक्राइबर यहीं पे मिल रहे हैं। एक ही स्कूल के हो गए सारे आप लोग? Yes. तो हमारे चैनल का नाम बता दो एक बार। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सो यहाँ पर कैमल राइडिंग चल रही है आप लोगों की? Yes. मजा आ रहा है यहाँ पर? Yes. क्या बात है भाई। सो गाइस, आ चुके हैं बाहर, और ये था आज का पूरा व्लॉग। आई होप आपको व्लॉग पसंद आया होगा। अतुल भाई, आपका क्या फीडबैक है यार? देखो, जगह कुछ भी हो या नहीं हो, बच्चों के साथ जो मजा आया ना, क्या बात है। करण भाई, आप कुछ बोलना चाहोगे? मेरी बात ही छीन लेता है, आप मुझसे पूछते दूसरी बार में। अरे यार, वीडियो अगर अच्छी लगी हो ना, फटाफट से लाइक दबा दो, और जितना हो सकता है आग की तरह शेयर कर दो, सब्सक्राइब का बटन तोड़ दो, फोड़ दो, कुछ भी कर दो, सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। सो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।